हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्चना एंड वेलकम टू अर्चनाज कुकिंग। फ्रेंड, आज बनाने जा रहे हैं चीकू शेक। ये बहुत हेल्दी शेक है, इसमें बहुत तरीके के विटामिन होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, कैल्शियम, आयरन और बहुत तरीके के ऐसे विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, बहुत सारे विटामिन आपके लिए अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। इसमें सिर्फ 100 ग्राम चीकू में सिर्फ 83 कैलोरीज है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चीकू शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं जार। जार में हम डालेंगे चीकू। मैं दो लोगों के लिए चीकू शेक बना रही हूँ, तो मैंने इसमें ये चार चीकू हैं उन्हें काट लिया है, छील लिया है और उसके बाद इसका जो बीज है वो निकाल लिया है। अच्छे चीकू लीजिएगा आप जो पके हुए हो, इस तरीके के चीकू लेने हैं हमको। और हम इसमें चीनी डालेंगे, लगभग 4 चम्मच ही हम चीनी डालेंगे, क्योंकि हम ये ठंडा बना रहे हैं, ठंडे में जो चीनी है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही में हम इसमें दूध डालेंगे। लगभग 400 ग्राम के करीब मैंने इसमें दूध लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको पीसेंगे। अभी हम इसमें बर्फ़ नहीं डालेंगे। पहले इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि हमारी जो चीनी है, अगर मैं बर्फ़ डाल दूँगी तो वो चीनी घुलेगी नहीं, तो पहले मैं इसको पीसूँगी जिससे हमारी चीनी घुल जाएगी। फ्रेंड, देखिए हमारा जो मैंने चीकू, चीनी और दूध था उनको मिक्स किया था, वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें बर्फ़ डालूंगी, आइस क्यूब्स। इसमें साथ में एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसमें 2 स्कूप वेनीला आइसक्रीम के डाल देंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी और साथ में ये क्रीमी भी हो जाएगा ये शेक। तो मैं वो तो नहीं डाल रही हूँ, इसमें मैं बस ये 5 जो आइस क्यूब डाल रही हूँ इसको मैं साथ में अब मैं चलाऊंगी। इससे क्या होगा, जो हमारा शेक है वो ठंडा हो जाएगा। मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। ठीक है, अब हम इसको अपने ग्लासेस में पोर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमारा चीकू शेक तैयार हो गया है। पीने में बहुत बढ़िया है और आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा। और अगर ये पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है, उसको ज़रूर दबाइए, जिससे आगे की जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको पहुँचती रहेगी। तो फ्रेंड्स, बनाइएगा ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।